स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में जादुई मकान बन रहे हैं। ये मकान ऐसे हैं जो सरकारी पैसों से बनते हैं, इनकी किश्तें भी निकलती हैं और ये बकायदा गरीबों को आवंटित भी होते हैं। लेकिन बस ये मकान ना तो किसी को मिलते हैं और ना ही किसी को दिखाई देते हैं। लेकिन इन मकानों के नाम पर दलाली का जो खेल है वो भी गजब का है। इसके बारे में जानकर हर शख्स बस हैरान है। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें जमील अहमद के घर की हैं। जमील अहमद आज भी इस मिट्टी के कच्चे मकान में रहते हैं। लेकिन अगर सरकारी कागजों की बात करें तो जमील अहमद के पास अपना खुद का पक्का मकान है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें दिया गया है। बावजूद इसके ये कच्चे मकान में रहते हैं। चलिए आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। दरअसल ये मामला प्रधानमंत्री आवास योजना और उसमें हुए घोटाले से जुड़ा हुआ है। अमेठी जिले के सिंहपुर ब्लॉक के बहुआ गांव में रहने वाले जमील अहमद ने साल 2017 में सरकारी आवास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आज तारीख तक उन्हें आवास नहीं दिया गया है। वहीं सरकारी कागजों की बात करें तो सरकारी वेबसाइट पर जमील अहमद के नाम पर मकान आवंटित भी हो चुका है। यहां तक कि मकान की 3 किश्तों के शक्ल में कुल 1,10,000 रुपए भी निकल चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें मकान नहीं दिया गया। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त सरकारी वेबसाइट का वो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें जमील अहमद का नाम मकान पाने वालों की लिस्ट में शुमार है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर बकायदा जमील अहमद के मकान की फोटो भी अपलोड हुई है। लेकिन हालात क्या है, असल तस्वीरें आपके सामने हैं। जमील अहमद की ये हालत देखकर गांव के ही समाज सेवक इरशाद ने RTI दाखिल करते हुए संबंधित विभाग से जानकारी मांगी, जिसके जवाब में साफ लिखा गया कि जमील अहमद के नाम पर कोई मकान आवंटित नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि जब जमील अहमद के नाम पर कोई मकान नहीं है तो उनके डिटेल सरकारी वेबसाइट पर डाले क्यों गए। इस मामले को देखकर साफ अंदाजा लग रहा है कि इसमें अधिकारियों के साथ साथ ग्राम प्रधान ने बड़ा खेल किया है। यानी जमील अहमद के हिस्से का मकान किसी और को आवंटित करते हुए उसके एवज में रिश्वत का खेल किया गया है। ग्राम प्रधान और अधिकारियों की इस मिलीभगत का खामियाजा जमील जैसे गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। ये वो खबर है जो मीडिया के जरिए सबके सामने आ गई है, लेकिन ऐसे ना जाने कितने ही जमील अहमद होंगे जिसकी आज तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने पवन मौर्या के साथ कवर की है। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के बहुआ गांव में जमील को कागजों पर प्रधानमंत्री आवास तो नजर आ रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस घर में अभी भी अपने परिवार के साथ कच्चे मकान में रह रहा है। जाहिर सी बात है कि कार्यालय में आज भी भ्रष्टाचार का यह खेल खेला जा रहा है। देखना यह है कि ऐसे भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई होती है या फिर अन्य मामलों की तरह इसे भी दबा दिया जाएगा। कैमरामैन पवन मौर्य के साथ मोहम्मद तौफीक, न्यूज टाइम नेशन, अमेठी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।